तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें काफी सारे मॉन्स्टरों को दिखाया जाता है जो कि किसी से डरकर भाग रहे थे। इसके बाद हमें वहां पर इंचू को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ता है और इसके बाद वो अपने शॉट का यूज करके उन सभी को मार देता है। पर तभी वहां पर और भी काफी सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। पर हमें इंचू को दिखाया जाता है जिसको इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और इसके बाद वो अपने वुल्फ स्लैश का यूज करके उन पर अटैक कर देता है और उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि उसके सामने जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो भी एक ही अटैक में मारे जाते हैं। पर इसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा पावर रिलीज हुआ था जिसकी वजह से वहाँ पर और भी काफी सारे मॉन्स्टर आ गए थे। जहाँ पर हमें इंच को दिखाया जाता है जो कि अपने सामने इतने सारे मॉन्स्टर्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। पर तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन आ जाता है जो देखकर इंची काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। वही हमें उस ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर का यूज करके इंची पर अटैक कर देता है। पर हमें इंच को दिखाया जाता है जो कि अपने पास में एक वैरियर को ना लेता है और वो उसके अटैक को रोकना स्टार्ट कर देता है। पर हमें उसके पीछे काफी सारे मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है जो कि उंची पर अटैक करने के लिए रेडी हो चुके थे, जो देखकर उंची भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। पर वो हार नहीं मानता और इसके बाद वो वहाँ पर अपने पावर को रिलीज कर देता है जिसकी वजह से वहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो सभी मारे जाते हैं। अगले सीन में हमें उंची को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर अपने शैडो ब्रोकन टेक्निक का यूज करता है और इसके बाद वो काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ता है और इसके बाद वो अपने स्वॉर्ड का यूज करके अपने सामने वाले मॉन्स्टर को भी मार देता है, यानी ड्रैगन को मार देता है। वहीं हमें इंचू को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा खुश था और इसके बाद वो कहता है कि मेरी पावर एक लेवल और भी बढ़ गई है। पर हमें इंचू को दिखाया जाता है जो कि इतने सारे मॉन्स्टरों के साथ में फाइट करने की वजह से थोड़ा सा जख्मी हो चुका था और उसके मुंह से भी ब्लड आ रहा था। वहीं हमें जैस्मिन को दिखाया जाता है जो कि इंची से कहती है कि तुम्हारी लिमिट इतना ही तक है, अगर तुम अंदर जाने की कोशिश करते हो तो तुम्हें वहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर दिखाई देंगे और तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा नहीं है कि तुम उन सभी का सामना कर सको। जहाँ पर हमें इंचू को दिखाया जाता है जो कि उसको टेंशन लेने से मना करता है और इसके बाद वो कहता है कि मेरे पास में एक हेल्पर है जो कि मेरी प्रोटेक्शन करेगी। जहाँ पर हमें जैस्मिन को दिखाया जाता है जो कि उसको खुश होने से मना करती है और इसके बाद वो उससे कहती है कि उसकी भी पावर इतनी ज्यादा नहीं है, वो सिर्फ रॉयल स्टेज के हाफ लेवल पर है और हो सकता है कि अंदर काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर मौजूद हो जिसका वो भी सामना ना कर पाए। जहाँ पर हमें इंचू को दिखाया जाता है जो कि उसके बातों को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा था, वही हमें जैस्मिन को दिखाया जाता है जो कि उसको वहाँ पर बैठकर पहले अपने हालातों को हील करने को बोलती है। जहाँ पर हमें इंचू को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर बैठ चुका था और इसके बाद वो अपने आप को हील करना स्टार्ट कर देता है। पर तभी वहाँ पर एक चील काफी ज्यादा तेजी के साथ में उड़ता हुआ इंची के तरफ आ रहा था जिसके बारे में इंचू को भी पता चल जाता है और इसके बाद वो खड़ा हो जाता है और इसके बाद वो अपने शॉट को निकाल लेता है ताकि वो उसके साथ में फाइट कर सके। पर हमें उस चील को दिखाया जाता है जिसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है और वो काफी तेजी के साथ में इंची पर अटैक कर देता है। पर हमें इंची को दिखाया जाता है जो कि अपने स्पीड का यूज करके उसके अटैक से बच चुका था। पर हमें दिखाया जाता है कि उस चील के नाखूनों में उसका पेंडेंट फंस जाता है और वो उसके पेंडेंट को लेकर भाग जाता है। तो अभी इंची अपने शॉट को निकाल लेता है और इसके बाद वो अपने शॉट का यूज करके उस पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा घायल हो चुका था। जहाँ पर हमें इंचू को दिखाया जाता है और उसको भी इसके बारे में पता चल चुका था कि वो मेरा पेंडेंट लेकर भाग चुका है और वो इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और इसके बाद वो वहाँ पर लिटिल फेरी को बुलाना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद वो कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे उस पक्षी को पकड़ना है। जहाँ पर हमें लिटिल फेरी को दिखाया जाता है जो कि उसके बातों का जवाब नहीं देती। इंचू उससे कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे 3 महीनों तक प्रोटेक्ट करोगी। जहाँ पर हमें लिटिल फेरी की आवाज को सुनाया जाता है जो कि उसे कहती है कि हाँ मैंने तुमसे ये वादा किया था कि मैं तुम्हारा 3 महीने तक प्रोटेक्शन करूंगी, पर मैं किसी चील को पकड़ने में तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। जहाँ पर हमें इंचू को दिखाया जाता है जो कि उसे कहता है कि वो मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है क्योंकि इसी की वजह से मैं अपने मदर फादर के बारे में पता लगा सकता हूँ। पर अभी भी वो उसके बातों को मानने के लिए तैयार नहीं होती है। इंचू उसे कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करती हो तो मैं तुम्हारे मेरिडियन को खोल दूंगा जो कि पूरे 3 होंगे। पर हमें लिटिल फेरी को दिखाया जाता है जो कि उसे कहती है कि तुम्हें मेरे 5 मेरिडियन को ओपन करना होगा। इंचू उसे कहता है कि ठीक है। जहाँ पर हमें लिटिल फेरी को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ जाती है और इसके बाद वो इंचू को अपने साथ में लेकर उड़ जाती है और इसके बाद वो उस चील का पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं और वो काफी तेजी के साथ में उसका पीछा कर रहे थे। पर हमें चील को दिखाया जाता है जिसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है और उनकी स्पीड उसके सामने कम पड़ रहा था। जहाँ पर हमें इंचू को दिखाया जाता है जो कि लिटिल फेरी को अपने स्पीड को बढ़ाने को बोलता है। जहाँ पर
हमें लिटिल फैटी को दिखाया जाता है जो कि अपने स्पीड को बढ़ा लेती है और इसके बाद वह उसका पीछा करना स्टार्ट कर देती है। अगले सीन में हमें लिटिल फैटी को दिखाया जाता है जो कि अपने आइस के पावर का यूज करके उस पर अटैक भी कर रही थी, पर हमें चील को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा स्पीड में उड़ रहा था जिसकी वजह से वह काफी आसानी के साथ में उसके अटैक को डॉच कर रहा था, जो देखकर यूंची भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका था पर वह चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पाता। अगले सीन में हमें उन सभी को दिखाया जाता है जो कि एक बवंडर के अंदर आ चुके थे जहाँ पर काफी ज्यादा पत्थर होते हैं और वह उन सभी से टकराने वाले थे, पर हमें चील को दिखाया जाता है जो कि उसके अंदर काफी आसानी से उड़ रहा था। साथ ही हमें वहाँ पर लिटिल फैटी को दिखाया जाता है जिसको इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी, पर वो सभी चीजों को संभाल रही थी और वो इंची के साथ में सेफली काफी ज्यादा आगे बढ़ रही थी, पर चील की स्पीड काफी ज्यादा थी और अभी भी वो उसको पकड़ नहीं पा रहे थे। जहाँ पर हमें लिटिल फैटी को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर अपने आइस के पावर का यूज करना स्टार्ट कर देती है और इसके बाद वो उस पूरे जगह को जमाना स्टार्ट कर देती है, जो देखकर चील भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो पूरी जगह जम चुकी थी, पर हमें चील को दिखाया जाता है जो कि फाइनली वहाँ से निकल चुका था और वो काफी तेजी के साथ में नीचे गिर रहा था क्योंकि वो इंची के अटैक की वजह से पहले ही काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था। साथ ही लिटिल फैटी के एक दो अटैक उसको लग भी चुके थे जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। वही हमें लिटिल फैटी को दिखाया जाता है जो कि नहीं रुकती है और इसके बाद वो इंची के साथ में नीचे जाना स्टार्ट कर देती है, जहाँ पर हमें जैस्मिन को दिखाया जाता है जो कि उनको रुक जाने को बोलती है और इसके बाद वो कहती है कि नीचे खतरा है और वो उसको जल्दी से रुकने को बोलती है, पर हमें लिटिल फैटी को दिखाया जाता है जो कि नहीं रुकती और वो अभी भी नीचे बढ़ रही थी। पर तभी अचानक से वहाँ पर एक ड्रैगन आ जाता है और वो उस पर अटैक कर देता है, पर हमें लिटिल फैटी को दिखाया जाता है जो कि अपने पास में एक शील्ड को बना लेती है और वो उसके अटैक से बच जाती है, पर उसकी पावर काफी ज्यादा होती है जिसकी वजह से लिटिल फैटी को भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी और इसके बाद वो इंची को वहाँ से धक्का दे देती है ताकि इंची को कुछ भी ना हो। जहाँ पर हमें इंची को दिखाया जाता है जो कि ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। अगले सीन में हमें लिटिल फैटी को दिखाया जाता है जो कि उस ड्रैगन के साथ में फाइट करना स्टार्ट कर देती है और उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा खतरनाक फाइट हो रहा था। जहाँ पर हमें ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि बार बार लिटिल फैटी पर अटैक कर रहा था, पर हमें लिटिल फैटी को दिखाया जाता है जो कि उसके सारे अटैक से बच रही थी और वो उस पर भी काउंटर अटैक कर रही थी। अगले सीन में हमें जैस्मिन को दिखाया जाता है जो कि उंची को जल्दी करने को बोलती है और यहाँ से भागने को बोलती है, पर हमें उंची को दिखाया जाता है जो कि उसके बातों को नहीं मानता और इसके बाद वो कहता है कि मैं उसको छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकता हूँ। जहाँ पर हमें जैस्मिन को दिखाया जाता है जो कि उसको मूर्खता करने से मना करती है और इसके बाद वो कहती है कि अगर तुम यहाँ से नहीं भागोगे तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ पर हमें उंची को दिखाया जाता है जो कि उसे कहता है कि जो लिटिल फैटी है वो मेरी वजह से यहाँ पर खतरे में पड़ी है तो मैं उसको छोड़कर नहीं भाग सकता हूँ। जहाँ पर हमें जैस्मिन को दिखाया जाता है जो कि उसको भावुक होने से मना करती है, पर उंची अभी भी उसके बातों को मानने के लिए रेडी नहीं था। जहाँ पर हमें जैस्मिन को दिखाया जाता है जो कि उसे कहती है कि तुमको क्या लगता है कि तुम इसका सामना कर पाओगे, तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा नहीं है कि तुम उसका सामना भी कर सको। और इसके बाद वो कहती है कि भले ये लड़की काफी ज्यादा पावरफुल है और वो इस ड्रैगन के साथ में फाइट कर सकती है, पर यहाँ पर एक और ड्रैगन है जिसकी वजह से यह लड़की इनके सामने नहीं टिक पाएगी। जहाँ पर हमें इंची को दिखाया जाता है जो कि उसके बातों को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि क्या यहाँ पर दो ड्रैगन है। जहाँ पर हमें जैस्मिन को दिखाया जाता है जो कि उसे कहती है कि हाँ यहाँ पर दो ड्रैगन है, तो अभी हमें वहाँ पर चील को दिखाया जाता है जो कि खड़ा हो चुका था और इसके बाद वो वहाँ से भागने लगता है, पर हमें इंची को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और इसके बाद वो उससे उस पेंडेंट को ले लेता है और दोबारा से पहन लेता है और वो अभी खुश हो ही रहा था, पर तभी उसके पीछे से एक ड्रैगन निकलता है जो देखकर इंची काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। तभी हमें जैस्मिन को दिखाया जाता है जो कि उसको बताती है कि ये नर ड्रैगन है और यहाँ पर दो ड्रैगन है जो कि नर ड्रैगन और मादा ड्रैगन है, जो सुनकर इंची काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। वहीं हमें उस ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि उंची पर अटैक करने वाला था, पर हमें लिटिल फैटी को दिखाया जाता है जो कि उसको ऐसा करने से रोक देती है। जहाँ पर हमें ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और वो अपने पत्नी को कैद में देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ता है और इसके बाद वो लिटिल फैटी पर अटैक कर देता है। जहाँ पर हमें लिटिल फैटी को दिखाया जाता है जो कि उसके अटैक को रोकने के लिए अपने पावर का यूज करने लगती है, जिसकी वजह से उसने जिस ड्रैगन को पकड़ा था वो उसके कैसे आजाद हो जाता है। तभी हमें नट ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और इसके बाद वो उस पर अटैक कर देता है। जहाँ पर हमें लिटिल फैटी को दिखाया जाता है जो कि अपने पास में एक प्रोटेक्टिव शील्ड को बना लेती है, पर हमें ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और इसके बाद वो उसको अपने मुंह के अंदर दाब लेता है। जहाँ पर हमें लिटिल फैटी को दिखाया जाता है जो कि अपने आइस का यूज करके उसके
मुंह के अंदर अटैक करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से ड्रैगन उसको छोड़ देता है। अगले सीन में हमें ब्लू ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और इसके बाद वो उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पर हमें इंच को दिखाया जाता है जो कि अपने शॉट को निकाल लेता है और इसके बाद वो उसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो चुका था और इसके बाद वो अपने शॉट का यूज करता है और इसके बाद वो अपने शॉट का यूज करके उस ड्रैगन को बीच में से काट देता है और इससे भी उसको कुछ भी नहीं होता। साथ ही हमें दिखाया जाता है कि उसका जो स्वॉर्ड था वो उसी के शरीर के अंदर फंस कर रह चुका था। अगले सीन में हमें लिटिल फैट को दिखाया जाता है जो कि उसके साथ में फाइट कर रही थी, पर उसको उसके साथ में फाइट करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा था और उसका जो प्रोटेक्टिव शील्ड होता है वो भी टूट जाता है और वो काफी तेजी के साथ में नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती है। पर तभी उसकी नजर यूंची के स्वॉर्ड के ऊपर चली जाती है और इसके बाद वो यूंची के स्वॉर्ड को पकड़ लेती है और इसके बाद वो उसको फाड़ना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से उस ड्रैगन की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। अगले सीन में हमें लिटिल फैटी को दिखाया जाता है जो कि पीछे आ चुकी थी, जहाँ पर हमें उन दोनों ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कि देखो यहाँ पर फिर दो मूर्ख आदमी आ गए हैं जो कि गॉड इनहेरिटेंस को पाना चाहते हैं और इसके बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं ताकि वो लिटिल फैटी को मार सके। पर हमें लिटिल फैटी को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर अपने पावर का यूज करती है और इसके बाद वो एक ड्रैगन को जमा देती है और उसको वहीं पर मार देती है, जहाँ पर हमें मेल ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे वाइफ को मारने की। और इसके बाद वो आगे बढ़ता है और इसके बाद वो उस पर अटैक कर देता है, जहाँ पर हमें लिटिल फैटी को दिखाया जाता है जो कि पहले से ही काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी, क्योंकि अभी अभी उसने जो अटैक का यूज किया था उसने उसमें अपने सारे सोल पावर का यूज कर दिया था। साथ ही साथ उसने अपने पूरे कल्टीवेशन का भी यूज कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और वह काफी तेजी के साथ में नीचे गिर रही थी। जहाँ पर हमें ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि उसको खाने वाला था, जहाँ पर हमें इंच को दिखाया जाता है जो कि जैस्मिन को उसकी मदद करने को बोलता है, पर हमें जैस्मिन को दिखाया जाता है जो कि उसकी मदद करने के लिए मना कर देती है, जो सुनकर यूंची खुद ही आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पर हमें जैस्मिन को दिखाया जाता है जिसको मजबूरन बाहर आना पड़ता है और वह बाहर आते ही काफी आसानी से उस ड्रैगन को मार देती है। अगले सीन में हमें इंच को दिखाया जाता है जो कि लिटिल फेरी को हील कर रहा था, तभी वहाँ पर जैस्मिन आ जाती है और इसके बाद वो उसको बताती है कि इसके जो स्पिरिचुअल रूट थे वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, जिसकी वजह से इसकी पावर जा चुकी है और अब ये नली बन चुकी है। जहाँ पर हमें इंच को दिखाया जाता है जो कि उसके बातों को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, पर इसके बाद वो कहता है कि मैं इसको बचा कर रहूंगा क्योंकि मैं एक एल्केमिस्ट हूँ और मैं काफी आसानी से इसके स्पिरिचुअल रूट को हील कर सकता हूँ। जैस्मिन उससे कहती है कि भले ही तुम इसके स्पिरिचुअल रूट को हील कर सकते हो, पर इसकी वजह से इसके जो कल्टीवेशन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और इसको दोबारा से अपने कल्टीवेशन को स्टार्ट करना होगा और ये लड़की ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेगी। भले ही ये मर जाएगी पर ये दोबारा से अपने कल्टीवेशन को स्टार्ट नहीं करेगी। जहाँ पर हमें इंच को दिखाया जाता है जो कि उसके बातों को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा था। जैस्मिन उसको ज्यादा टेंशन लेने से मना करती है और इसके बाद वो वहाँ से जाने को बोलती है और इसके बाद वो खुद उसके अंदर चली जाती है। अगले सीन में हमें लिटिल फेरी को दिखाया जाता है जिसको होश आ चुका था, तभी अचानक से वहाँ पर जो पत्थर होते हैं वो टूटकर गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, जो देखकर यूंची काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और इसके बाद वो उसको उठा लेता है और इसके बाद वो उसको लेकर वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। पर तभी एक पत्थर उसके ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो एक केव के अंदर आकर गिर जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर काफी ज्यादा लावा था, जिसके बाद यूंची वहाँ पर अपने फायर का यूज करता है और अपने आसपास में एक प्रोटेक्टिव शील्ड को बना लेता है ताकि वो खुद को बचा सके। तभी वहाँ पर किसी की आवाज आती है जो कि कहता है कि यह तो फिनिक्स गोट की पावर है, जो सुनकर यूंची काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। तभी वहाँ पर दो आंख अपीयर होती है और इसके बाद वो कहती है कि बच्चे मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे पास में फिनिक्स गोट की पावर होगी। जहाँ पर हमें इंच को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि आखिर ये कौन है। साथ ही हमें जैस्मिन को दिखाया जाता है जो कि समझ जाती है कि ये और कोई नहीं बल्कि ये अजूरे ड्रैगन है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल ड्रैगन हुआ करता था और ये पूरे बीस्ट का मास्टर हुआ करता था, जो सुनकर यूंची भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। अगले सीन में हमें ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि उसको बताता है कि ये जो जगह है वो मेरा ट्रायल का जगह है और यहाँ पर काफी ज्यादा बंदे भी आए थे ट्रायल को देने के लिए, पर यहाँ पर जो दो ड्रैगन थे वो उन सभी को मार दिया करते थे, जिसकी वजह से यहाँ पर एक भी बंदा नहीं आ पाया मेरे ट्रायल को देने के लिए, पर तुम ऐसे पहले बंदे हो जो कि मेरे ट्रायल को देने के लिए आए हो। जहाँ पर हमें इंच को दिखाया जाता है जो कि उसके बातों को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और इसके बाद वो आगे बढ़ता है और इसके बाद वो उससे कहता है कि क्योंकि आप काफी ज्यादा लंबे समय से जीवित हो तो क्या आप इस पर्सन को हील कर सकते हो। जहाँ पर हमें ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि नहीं, मेरे पास में इतनी ज्यादा पावर नहीं है कि मैं इसको हील कर सकूं। पर इसके बाद वो कहता है कि अगर तुम मेरे ट्रायल को पास कर लेते हो तो उसके बाद तुम इसको
काफी आसानी के साथ में हील कर सकते हो और साथ ही साथ मैं तुमको अपने 3 खून के भी बूंद दूंगा। और इसके बाद वो उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे ट्रायल को देने के लिए रेडी हो। जहाँ पर हमें इंचू को दिखाया जाता है जो कि उसके बात को मान जाता है क्योंकि उसके पास में और कोई भी रास्ता नहीं था। जिसके बाद ड्रैगन गॉड वहाँ से नन्ही परी को भेजना स्टार्ट कर देता है पर हमें इंचू को दिखाया जाता है जो कि उसको रोक देता है। ड्रैगन गॉड उससे कहता है कि अगर तुम इसके साथ में इस टेस्ट को देना चाहते हो तो यहाँ पर जितने भी खतरे है वो सभी डबल हो जाएंगे और यह लड़की इस स्थिति में नहीं है कि यह तुम्हारी मदद कर सके, यह तुम पर बोझी बनेगी। पर हमें इंचू को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि ठीक है मैं आपके बातों को समझ गया पर मैं इसको अपने साथ में ले जाऊंगा। लिटिल फेरी उसको समझाने की कोशिश करती है पर इंची उसको चुप करा देता है। ड्रैगन गॉड उसको बताता है कि यहाँ पर पूरे 129 वॉरियर है और इसके बाद ड्रैगन गॉड उसको बताता है कि यहाँ पर जितने भी वॉरियर है उसमें सबसे ज्यादा जो कमजोर है वो भी वांग चुआन लेवल पर है, जो सुनकर इंची काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। पर हमें इंची को दिखाया जाता है जो कि इस टेस्ट को देने के लिए रेडी हो जाता है और इसके बाद वो लिटिल फेरी को अपने गोदी में उठा लेता है। तो अभी हमें इंची के पीछे एक सोल्जर को दिखाया जाता है जो कि लावा से बना हुआ था, जो देखकर जैस्मिन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसी के साथ में ये एपिसोड यही पे खत्म हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।